रजाई हम फैलाया है और टीन धरा रहा है, टीन चुअत है और समय धरा रहा। मिट्टी ढो ढो के यहाँ बनाई तो यह जनता कहाँ खुश रही भैया। तब ते हम चौरासी भोग रहे हैं, हमारे मकान पर चार ही रहा है और गायों मरे तो खरनाई हो रहा है। मतलब हमका मिट्टी ले आईबे तो गौशाला बनवाए का फायदा, सब रब्बी चरे जा रहे हैं। बरसात में वही पाल लगा हुआ रहा 3-4 हजार रुपया, कोई मदद करिए तो कहाँ उठ का कोई और दे दे। सब दुआर खान डर थे। नमस्कार, मैं हूँ मोहित। हमेशा की तरह आपकी आंखें जम चुकी हैं भारत एक सोच पे। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर घर आवास पहुंचा चुके हैं। आपको मैं एक नज़ारा दिखाऊंगा जो मैं फिर से बोलूंगा, आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए, यहां पर बच्चे यानी कि लड़कियां और बुजुर्ग यानी कि माँ जी अपना घर बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा कर रही हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं ये नज़ारा। अम्मा, ये सब काहे के लिए कर रही हैं आप? ये माटी बनाई बे, चूल्हू बनाई बे और लगाई बे दीवालम। अच्छा, और घर वाला आपका पक्का बना कच्चा बना है? घर दीवाले बनी है, पन्नी तनी है और लैटरिन का गुच्छा खुदे पड़े है और लैटरिन बनी नहीं है। शौचालय मतलब बना नहीं है? नहीं। तो पैसा वैसा नहीं मिला? नहीं नहीं। आवास मिला नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला नहीं कुछ। मोदी जी की अम्मा को योजना मिली कि नहीं मिली आपका? हमका सिलेंडर मिला है, बस केवल सिलेंडर मिला। झूठी नहीं कहा, खाना बना रहे हैं वहीं पर। ऐसे ठंडक के मौसम में अभी धूप चलो निकली है और हम देख रहे हैं आप पानी में घुसी थी अभी तो, और ये मिट्टी इकट्ठा कर रही तो हैं। हमारे मकान हम जाग चलो तो हम तुमका दिखाई भे कि हमारे अब रजाई हम फैलाया है और टीन धरा रहा है, वह टीन चुअत है और समय धरा रहा है बेकार हती और वह बहुत चुई रही रजाई पर चुई है और पहले पन्नी ताने रहा। अम्मा, वोट आप वोट किसको दिए थे? मोदी जी को वोट दिए थे? आपका घर झूठी नहीं रही थे ना, हम मोदी के दिन है। अच्छा, हमारे काम बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और माँ जी, घर आपका बना नहीं है, शौचालय आपका बना नहीं है, आने वाले इलेक्शन में आप अखिलेश जी को वोट देंगे फिर योगी जी को वोट देंगे? अब हमारा समस्या तो हम पहले देखो तब हम वोट बताएं। आपके बगल से ये रोड इतना बड़ा निकला है, ये किसने बनवाया अम्मा? ये तो सुनी था ना, ये अखिलेश बनवाए। अखिलेश बनवाए ने? अच्छा अम्मा, अब 2022 में जो चुनाव आ रहा है आप कहीं का वोट दे हो? अब हम पहले समस्या देखो हमारे घर नहीं, पर आपकी समस्या का समाधान करे के लिए तो मोदी जी सत्ता में आप ले आई हो, आप वोट दियो उनका। अच्छा? आपकी समस्या तब भी नहीं समाधान हुई। हमारे आपकी समस्या हमारे गांव में यहाँ चकबंदी हुई कितने दिन भाई, यूँ पूछो कितने दिन हुई, कितने दिन हुई आप बताओ। तब ते हम चौरासी भोग रहे हैं, हमारे मकान पर चार ही रहा है और ये चारों ई सहित बंद है और हम जौनी हालत पर हम पानी ला रहे हैं और हम सब कह रहे हैं वह हालत हमारा देख लो चले तो हम मान लें कि जहाँ बताओ तहाँ वोट दी बताओ तो। अम्मा, जब वोट लेने की बारी आती है तब नेता अधिकारी लोग आपके घर पे कैसे आते हैं, वो कुछ बताएंगी एक्शन कुछ में? वह भैया, हम बात तो हम तुम्हारी बात मानी थी कैसे आपसे बोलते हैं अम्मा, हमें कुछ बताओ। जब हमका गायो मरे तो खरनाई हो रहा है, बताओ हमका पहले कितने दिन हम सबूरी करब, 19 वर्ष लगे भाई हैं चकबंदी क्या। अम्मा, आप किसान हो ना? हाँ। आपकी फसलें सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो ऐसा है कुछ जैसे कुछ यही बरसात में वही पाल लगा हुआ रहा 3-4 हजार रुपया वो आजाम है। अब खेत तो अब फिर जेठुआ जुगाड़ करब। सांड वन तो नहीं आ रहे खेत में? जानवर वनवर तो नहीं आ रहे खेत में? तार लगा हुआ है और जानवर आवर नहीं का है, फिर भी फसल बच नहीं रही, तड़क ही जाती है। मतलब कि जानवर तड़क के जा रहे हैं? हाँ। इस सरकार से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? जब जनता परेशान है खुश कहाँ थे, जनता जब परेशान है मिट्टी ढो ढो के यहाँ बनाई तो यह जनता कहाँ खुश रही भैया। मजबूर हैं लोग घर मिट्टी से बनाने के लिए, मजबूर हैं, महले बने होते तो अत्ता हम लोगों ने नहीं खलते, मिट्टी तालाब से उठा उठा ले जा रहे हैं तो परेशान तो आएंगे। युवाओं की दिलों की धड़कन कौन है, योगी जी या अखिलेश जी? आपको देश सुन रहा है, बताएं मुझे। अखिलेश जी को जी। अखिलेश जी को समर्थन करेंगे आप? जो सबसे जरूरी होना चाहिए जो छत घर वो आपको अभी तक नहीं मिला? कुछ नहीं है, कुछ मिलने नहीं। की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? नहीं। अच्छा, जब वोट लेने की बारी आती है तब सब दुआर खान डर थे, सब तब आवत हैं भैया वोट दे दो वोट दे दो, वोट कहाँ से दे दें, अब सीख लिया अब नहीं देनी मुझे वोट। मतलब कि मोदी जी लॉलीपॉप ही पकड़ाते हैं लोगों को, एक कहावत कहते हैं कि मोदी जी लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, बस बस वही के लालच में है तो जनता भड़क उठी रहे। लेकिन आप जनता जागरूक हो चुकी? और क्या, आप समझ चुकी? और क्या,
आप 2022 में आप अखिलेश यादव को वोट देंगी जी? अखिलेश यादव को जिताएंगी जी? आप अपने गांव के बारे में बता सकती हैं, आप अपने घर के बारे में बता सकती हैं कि 2022 के चुनाव में किसका समर्थन करेंगी लोग, अखिलेश या योगी जी का? अखिलेश जी का। अखिलेश जी का जी। खैर पूरी तरह से आप योगी सरकार से परेशान हैं जी, जब तार लगे हैं उनमें तब वो गौशाला बनवाए का फायदा, सब रब्बी चरे जा रहे हैं तो गौशाला बनवाए फायदा का है, हरा इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, तार लगे हैं सब कुछ, हर एक चीज़ पैसों से लगती है ना होती है। और पैसे के लिए कुछ है नहीं, रोजगार के लिए कुछ है नहीं? कुछ नहीं है। उम्मीद दिखाई दे रही है आपको योगी सरकार कुछ रोजगार दे पाएगी? कुछ नहीं दे पाएगी, हमें तो नहीं लगता है कुछ दे पाएगी। ये आपकी मजबूरी है या शौक में कर रही हैं आप? अरे शौक में है क्या करें, मजबूरी में है सब है भाई, काम कर रहे हैं, शौक में है करे, शौक हम का मट्टी ले ही। आपका घर कच्चा बना पक्का बना है? अरे घर खेत बेच के बनवावा रहे कच्चा पक्का, का करी जब कहूँ सब गिरगा रहा है, मड़ैया पड़ी रहे वो भी चुवत रहे तो कहाँ रही। आवास वगैरह नहीं दिया गया हमका भाई? वे कुछ नहीं मिला। शौचालय वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। वोट किसको दिए थे आप, अखिलेश जी को दिए थे, समाजवादी पार्टी को दिए थे या फिर भाजपा सरकार को दिए थे आप? वोट तो हम दिन है उनका मोदी भाई दिन है, मोदी जी को दिए थे और आपको कोई योजना मिली नहीं? योजना काम तो अब किसको वोट दे रही हैं आप, सवाल हमारा ये है। अभी वोट देवे जो कोई भाई हमारा बना दे का वोट देवे, बताओ कोई मदद करी तो कहा वोट का कोई और दे दे सरकार है? नहीं जब देख लो आप ये बताओ हमें, आप मोदी जी को वोट दिए और आपको कोई योजना नहीं मिली, आपको कोई योजना मिली? नहीं भाई हमका कोई योजना नहीं। फिलहाल आप किसको वोट देंगे अब की बार? अखिलेश को दे देंगे, हमको तो वोट देना है। अखिलेश को वोट देंगे? हाँ, दे देंगे। ये एक गरीब जुबान बोल रही है कि अखिलेश को वोट देंगे। सबसे मुख्य कारण ये है कि इनको आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, सिलेंडर नहीं मिला है, मतलब प्रधानमंत्री जी की कोई योजना यहाँ तक अभी पहुँची ही नहीं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये गरीब लोग क्या कर रहे हैं, तालाब से मिट्टी निकाल कर डलिया में रख रहे हैं और डलिया से मिट्टी ये इनका मकान बनाएगी, मतलब इनके लिए एक बहुत बड़ा काम है। आपके लिए ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि भैया आप बंगलों में रहते हैं, महलों में रहते हैं। ज़रा अभी आप इन गरीबों से पूछें कि इन पर क्या गुजर रही है। प्रधानमंत्री जी अगर आप हवाई यात्रा कर चुके हों तो गाँव की यात्रा एक बार करके देखें, यहाँ का मौसम कितना गुलाबी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें भारत एक सोच, क्योंकि यह खबर है आपके भारत की, आपके गांव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।